वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा से आ रही है जहां पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। ये हमला आईडी के जरिए हुआ है। आईडी हमले के बाद काफिले पर फायरिंग की भी खबर है और हमले और फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हुआ है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। सीआरपीएफ की काफिले पर हमला, आईडी से हमला हुआ है, एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, अभी का क्या अपडेट है, क्योंकि आतंकी आए दिन सीआरपीएफ को ही निशाना बना रहे हैं और ज्यादातर काफिलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। नवजोत, ये बहुत बड़ा एक आतंकी हमला था जो अब कहा जाएगा कि विफल हुआ है, क्योंकि जिस अंदाज से जितना इस बारूद का आईडी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती रही यहाँ पर सीआरपीएफ के काफिले की कि ये आईडी ब्लास्ट जो है किसी वाहन को डायरेक्टली जो है हिट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक सीआरपीएफ का एक जवान जो है घायल हुआ है। इलाके की घेराबंदी की गई है और जिस तरह से आपने कहा कि पहले सीआरपीएफ के काफिले को आईडी से निशाना बनाया, उसके बाद उस पर फायरिंग हुई, लेकिन जब ये आईडी ब्लास्ट हुआ की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई, लेकिन खुशकिस्मती यही रही कि सीआरपीएफ की का कोई वाहन, जो कि चार या पांच वाहन वहां से गुजर रहे थे, उनमें से कोई वाहन आईडी की चपेट में नहीं आया। वो सबसे बड़ी खुशकिस्मती यहाँ पर सुरक्षा बलों और सीआरपीएफ के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जिसमें सीआरपीएफ के काफिले को एक बार फिर जो है आईडी ब्लास्ट से निशाना बनाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में जो आईडी का ही विस्फोट का ही इस्तेमाल हुआ था, वहां पर वाहन यू इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर कई बार जो है आईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, कई बार जो है उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन आज इस आतंकी हमले में जो है सीआरपीएफ के काफिले को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन बहुत बड़ा जो है आईडी ब्लास्ट यहां पुलवामा के पास गोंगू इलाके में हुआ है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। अशरफ, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है, अशरफ हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।